पंचायत बाजारों में ट्रैफिक को मजीद बेहतर बनाने के लिए कि ट्रैफिक के इंतजाम जो है मजीद बेहतर हों, इस हवाले से अब क्या लाहा अमल इख्तियार किया जाएगा। सर ये बताइएगा कि 8 बाजार आपने विजिट किए, जुमे का दिन है, इसके बावजूद रश है, तो आम दिनों में रश और ज्यादा होता है, किस तरह से 8 बाजारों की ट्रैफिक को बेहतर करने का आप प्रोग्राम जो है फैसलाबाद में लेके आए? अभी मैंने CTO साहब के साथ दौरा किया है बाजारों की सूरत हाल को अंदाज़ा करने के लिए। उसके अलावा जो हमारे ट्रैफिक के ऑफिसर्स हैं उनको हमने यहाँ पे ब्रीफ किया है अच्छे अंदाज में ड्यूटी करने के हवाले से और पाबंदी वक्त के हवाले से, लोगों के साथ रवैया अच्छा रखने के हवाले से और साथ साथ एनफोर्समेंट के हवाले से। बाज़ारों का जो दौरा बज़ाहिर किया है तो उससे ये अंदाज़ा लगा है कि इन चीज़ों को यहाँ पर मुनज़्ज़म करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर जो इन बाज़ारों के मुंतज़मीन हैं, जो ताजरों के नुमाइंदे हैं, यहाँ सूतर मंडी का वफ्द कल मुझे मिला था वो नुमाइंदे हैं, और इन तमाम को साथ बिठा के और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को साथ बिठा के उस हवाले से एक लाया अमल बनाने की भी ज़रूरत है। ट्रैफिक पुलिस की जो जिम्मेदारियाँ वो भी ऐसे अंदाज में करेंगे, लेकिन साथ मैं ये कहूँगा कि दुनिया के जितने भी मुनज़्ज़म ममालिक हैं वहाँ पर शहरी जो हैं वो खुद बहुत मुनज़्ज़म होते हैं। जितनी आवाम मुनज़्ज़म खुद होती जाएगी, डिसिप्लिन्ड होती जाएगी, कानून की पाबंदी करने वाली होएगी, कानून का एहतराम करने वाला होगी, चीज़ें उधर से ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू कर दी। हमारी जो कानूनी जिम्मेदारियाँ हैं इंशाल्लाह उसको ऐसे तरीके से अदा करने की भरपूर कोशिश करें। अच्छा सर ये बताइएगा कि ट्रैफिक पुलिस को हमने देखा कि टीपा के साथ मिलकर पहले भी शहर के पार्किंग के मसाइल हल करने की कोशिश की जा रही है, तो अब क्या ये कहा जा सकता है कि शहर के 8 बाजारों की पार्किंग जो है इसको कहीं बैरून बाजार जो है वो मुंतकिल किया जाएगा ताकि ताजर भी जो है वो आसानी से अपना कारोबार कर सकें और शहरी भी आसानी से 8 बाजारों का विजिट कर सकें? जी, ट्रैफिक का मुनज़्ज़म होना जो है इसके कई इसमें हिस्सेदार हैं। इसमें ट्रैफिक पुलिस का एनफोर्समेंट का किरदार को 25% के करीब है, 75% जो किरदार है उसमें दीगर इदारे भी हैं, इसमें अवामी लोकल जो नुमाइंदे भी हैं और इसमें ज़िलाई हुकूमत के कुछ इदारे भी हैं वो सारे, तो ये सारी चीज़ें मिलजुल कर है। मसलन रोड इंजीनियरिंग है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक अवेयरनेस है, पुलिस तो अपने तौर पर दे रही है। इसके अलावा ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन है, लोगों का अपने ऊपर डिसिप्लिन ऑफिस करें और पार्किंग प्रॉपर करें, पार्किंग कंपनी है, टीपा है, वेस्ट मैनेजमेंट वाले हैं, रोड बेहतर करने वाले हैं, दीगर काफ़ी इदारे हैं, तो इन सब के साथ मिलके वो करेंगे। तो आप मीडिया के तवस्सुल से मैं ये फैसलाबाद के शहरियों को ट्रैफिक के हवाले से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने आप को आप नज़म करें, हमारा जो रोल है इंशाल्लाह वो अदा करेंगे और आप हमें इस ज़िले का खैरख्वाह पाएंगे और हम खलूस दिल से कोशिश करेंगे कि यहाँ पर तमाम मामलात को बेहतर किया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जैसा सुना आपने CPO फैसलाबाद गुलाम बशर मेकन का भी यही कहना था कि शहरियों को भी चाहिए कि वो कानून की पासदारी करें, इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस जो है उसके तमाम तर सेक्टर इंचार्जेस से मुलाकात की गई है घंटा घर में, और साथ साथ ये भी कहा गया है कि शहरियों से जो है इंतहाई प्यार और खलूस से पेश आएँ और 8 बाजारों में मौजूद ट्रैफिक मसाइल को शहरियों को चाहिए कानून की पासदारी करें। वकास शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे CPO।